तारीख थी 30 अक्टूबर 2022। शाम होते होते गुजरात से एक खबर आती है कि मच्छू नदी पर बना मोरबी पुल गिर गया है। हादसे के वक्त पुल पर 300 लोग मौजूद थे। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं घर से छुट्टी मनाने के लिए मोरबी पुल पहुंचे थे, लेकिन घर कभी नहीं लौट पाए। पुल से नदी में गिरे 135 लोगों की मौत हो गई। हादसे के महीने भर बाद गुजरात में विधानसभा चुनाव भी होने थे, तो स्वाभाविक तौर पर हादसे पर खूब राजनीति भी हुई। गुजरात सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की। अब 5 सदस्यों वाली एसआईटी ने प्राइमरी रिपोर्ट सबमिट की है। आखिर कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ, आइए जानते हैं। गुजरात सरकार द्वारा नियुक्त एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कई खुलासे किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जांच टीम ने अपनी प्रारंभिक जांच में पाया है कि पुल के केबल पर लगभग आधे तारों पर जंग लगना और पुराने सस्पेंडर्स को नए से जोड़ने जैसी खामियों के कारण पिछले साल मोरबी में पुल गिरा था। एसआईटी की प्राथमिक जांच के मुताबिक नदी के ऊपर की मुख्य केबल टूट गई, जिससे यह हादसा हुआ। हर केबल 7 तारों से बनी थी, प्रत्येक में 7 स्टील के तार थे। एसआईटी के मुताबिक इन 49 में से 22 केबल में जंग लग चुकी थी, यानी ये घटना से पहले ही टूट चुके थे। बाकी के 27 तार घटना के समय टूटे। हादसे के समय पुल पर लगभग 300 लोग थे, जो पुल की भार उठाने की क्षमता से बहुत ज्यादा थे। हालांकि पुल की वास्तविक क्षमता की पुष्टि लैब रिपोर्ट से होनी है। इसके अलावा रिपोर्ट में लिखा है कि अलग अलग लकड़ी के तख्तों को एल्यूमिनियम डेक से बदलना भी हादसे का एक कारण है। ब्रिज पर लचीली लकड़ी के तख्तों की जगह कठोर एल्यूमिनियम के पैनल लगे हुए थे, इससे पुल का अपना वजन भी बढ़ गया था। दरअसल हादसे से कुछ दिन पहले ही मोरबी पुल को खोला गया था। मार्च 2022 में पुल को रेनोवेशन के लिए बंद किया गया था और 26 अक्टूबर को खोल दिया गया था, लेकिन पुल को खोलने से पहले वेट टेस्टिंग नहीं की गई थी। इस 143 साल पुराने पुल को लेकर एसआईटी ने और कई खुलासे किए हैं। जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि अजंता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड यानी ओरेवा कंपनी और मोरबी नगर पालिका के बीच एग्रीमेंट के लिए जनरल बोर्ड की अनुमति जरूरी थी, लेकिन एग्रीमेंट में ओरेवा कंपनी मुख्य अधिकारी नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के ही सिग्नेचर थे। ना तो जनरल बोर्ड की सहमति मांगी गई और ना ही मीटिंग में सहमति का मुद्दा उठाया गया। इस लापरवाही को लेकर 1262 पन्नों की चार्जशीट भी दायर हो चुकी है, जिसमें ओरेवा ग्रुप के MD जयसुख पटेल को मुख्य आरोपी बनाया गया था। 24 जनवरी को कोर्ट ने पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, जिसके बाद जयसुख पटेल ने मोरबी कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से कोर्ट ने जयसुख पटेल को जेल भेजा था। एसआईटी की इस प्रारंभिक रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये खबर आप तक लेकर आए थे हमारे साथी भानु झा। मैं हूं गरिमा, आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।